3 अक्टूबर 1911 को बुल्गारिया में एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है, जिसके माता पिता ने बड़े ही प्यार से उसका नाम वांगेलिया रखा। वांगेलिया के जन्म के कुछ समय तक उसके परिवार में खुशियों का उजाला फैल रहा था, लेकिन थोड़े ही समय के बाद उनके जीवन का सबसे बड़ा अंधकार आता है, जब उन्हें पता चलता है उनकी बेटी, जिसका नाम उन्होंने बड़े ही प्यार से वांगेलिया रखा था, वो अब इस दुनिया को कभी देख ही नहीं पाएगी। दरअसल वांगेलिया के माता पिता ने जिस बच्ची को जन्म दिया था वो बॉर्न ब्लाइंड थी, यानी वो जन्म से ही अंधी थी। वांगेलिया के माता पिता इस बात से काफ़ी परेशान हो रहे थे कि आखिर जिसके आने से उनके घर में खुशियों का प्रकाश आया, वो भला इस दुनिया के प्रकाश को कैसे देख पाएगी। लेकिन अंततः उनके माता पिता ने वांगेलिया को ईश्वर का एक तोहफा समझकर स्वीकार कर लिया और उसका पालन पोषण बड़े ही बेहतर तरीके से करने लगे। धीरे धीरे करते करते समय बीतता गया और जब वांगेलिया 12 साल की हुई तब वो ऐसी ऐसी घटनाओं का जिक्र करने लगी थी जिसके बारे में पहले किसी ने भी नहीं सुना था, क्योंकि वांगेलिया ऐसी घटनाओं का जिक्र कर रही थी जो आज से पहले घटी थी नहीं हुई थी। लोगों के होश तो तब उड़ गए थे जब आगे चलकर कुछ सालों के बाद वांगेलिया की कही गई हर बातें सच होती दिखाई दे रही थी। अगर कही गई एक दो बातें सच हो जाती तो उसे इत्तेफाक कहा जा सकता है, लेकिन अगर किसी की कही सारी बातें सच हो जाए तो उसे एक चमत्कार ही कह सकते हैं। लोगों ने इसे प्रिडिक्शन समझा और वांगेलिया धीरे धीरे करके बाबा वेंगा के रूप में प्रचलित होने लगी और तब से लोगों ने बाबा वेंगा को भविष्यवक्ता कहना शुरू कर दिया। और तकरीबन 90 साल की उम्र में बाबा वेंगा की मौत हो गई। बाबा वेंगा ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे भविष्यवाणियां की थी जिनमें से कुछ तो आज के समय में सच होती दिख रही है, लेकिन वहीं कुछ भविष्यवाणियां ऐसी भी थी जिन्हें या तो हम समझने में भूल किए हो या फिर वो कभी वास्तविकता बन ही नहीं पाई। बाबा वेंगा की ऐसी एक प्रचलित भविष्यवाणी थी 5079, जिसमें उन्होंने कहा था हमारी दुनिया 5079 के बाद खत्म हो जाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। बाबा वेंगा ने ऐसी एक भविष्यवाणी साल 2023 को लेकर की थी, जिससे कई लोगों को ऐसा लगता है कि साल 2023 के अंत के साथ ही मानवता का भी अंत हो जाएगा। दरअसल बाबा वेंगा अपनी हर भविष्यवाणियों को एक पहेली के माध्यम से लिखते थे और ऐसी ही एक प्रिडिक्शन साल 2023 को लेकर लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था 7 महीने महान युद्ध, बुरे कामों से मरे लोग, इस भविष्यवाणी के पीछे क्या राज छिपा है और बाबा वेंगा अपनी इस भविष्यवाणी के माध्यम से हमें क्या बताना चाहती थी ये कोई नहीं जानता। जिससे कई लोगों को लगता है 7 महीने महान युद्ध का मतलब है 2023 में वर्ल्ड वॉर 3 का आरंभ होगा और ये युद्ध करीब 7 महीने तक चलेगा, जिसके बाद पृथ्वी समेत मानवता का भी विनाश हो जाएगा। वहीं कुछ मेरे जैसे लोग इस पर यह विचार रखते हैं कि 7 महीने महान युद्ध का मतलब है रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध, जिसे अभी तक 5 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है और शायद हो सकता है ये युद्ध 2 महीने और चले और तब 7वें महीने में इस युद्ध का कोई परिणाम निकले। और शायद बाबा वेंगा भी अपनी भविष्यवाणी के माध्यम से हमें यही बताना चाहती हो, क्योंकि ये प्रेडिक्शन अगर इस बात पर सटीक साबित नहीं होता है और अगर वर्ल्ड वॉर 3 का आरंभ होता है तो उसका क्या परिणाम होगा, यह हम में से हर कोई अच्छी तरह से जानता है। तो वहीं कुछ जानकारों के अनुसार साल 2023 में सबसे बड़ी खगोलीय घटना होगी, जिससे अर्थ के ऑर्बिट में थोड़े बहुत बदलाव आएंगे और शायद हमें इस घटना का कोई बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिल सकता है, जिस वजह से कुछ लोगों को लगता है कि शायद बाबा वेंगा अपने भविष्यवाणी के माध्यम से यही बताना चाहती हो। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई भी सही से नहीं बता सकता, क्योंकि हमें इस भविष्यवाणी का असल मतलब तभी पता चल पाएगा जब साल 2023 पूरी तरह से गुजर जाएगा और हम आशा करेंगे इस भविष्यवाणी का कोई भी ऐसा मतलब ना निकले जिससे वर्ल्ड वार 3 के आरंभ होने या फिर पृथ्वी के साथ कोई बहुत बड़ी खगोलीय घटना घटने जैसी बात हो, जिससे मानवता को कोई बड़ा नुकसान हो या फिर हमारी पृथ्वी से मानव के अस्तित्व का सवाल उठे। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें नीचे कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।